नमस्कार बच्चों, आज हम नया व्यंजन प लिखना सीखेंगे। व्यंजन प, तो देखो कैसे लिखते हैं उसे। सबसे पहले पहली ग्रे लाइन से शुरू करेंगे और जैसे हम यू आकृति बनाते हैं वैसे बनाएंगे। यहाँ छू के थोड़ा सा नीचे ले जाके गोल घुमा के ऊपर लेकर जाओ और वापस नीचे लेकर आओ। ये हो गया हमारा व्यंजन प। व्यंजन प फिर से लिखेंगे, यू आकृति बनाओ, ऊपर जाओ और नीचे आओ। ये बन गया व्यंजन प। बच्चों हम एक लाइन में अब तीन बार लिखेंगे, फिर से लिखो प, और अब दूसरी लाइन में भी तीन बार लिखेंगे प प प। और अब हम यहां पर बनाएंगे छोटा सा चित्र प से पतंग। तो सबसे पहले एक टेढ़ी रेखा बनाओ उल्टे हाथ की तरफ, फिर यहां से सीधे हाथ की तरफ, फिर अब यहां से और यहां से दोनों कोनों से शुरू करेंगे और नीचे वी आकृति बनाएंगे इस तरह, और बीच में एक सीधी रेखा बनाओ और थोड़ी सी गोलाकार रेखा, और नीचे बनाएंगे एक छोटा सा ट्रायंगल त्रिकोण। तो ये बन गई हमारी प से पतंग और ये बनी पतंग की डोर। और अब हम यहाँ पर एक लाइन छोड़ेंगे, काटा लगाएंगे और नीचे लिखेंगे व्यंजन गीत गाते गाते क से प तक सीक्वेंस में, क्रम में। क केला तोड़ा माली ने, ख खीरा रखा थाली में, ग गमले में फूल उगाना, घ घड़ी सुनाए टिक टिक गाना, ग को घ के बाद है आना, च चम्मच से हम खाना खाते, छ छाता लेकर धूप में जाते, ज जहाज पानी में चलता, ज झंडा ऊंचा लहराता, यहाँ को नाक से बोला जाता, ट टमाटर में है लाली, ठ ठेला भर कर लाया माली, ड डमरू बाजे डम डम डम, ढ ढोलक बाजे ढम ढम ढम, ण को बुलाओ दम दम दम, त ताला है दरवाजे पर, थ थर्मस लेकर अंदर आना, द दस मुख वाला रावण आया, ध धनुष बाण से मार गिराया, न नदी किनारे तोता आया, प पत्ते झूल रहे डाली पर।